जय हिंद दोस्तों, आपको लुसेन सिटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पासा, जिसको हम लोग डाइस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आप इस टॉपिक को पहले ही पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। दोस्तों आई वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पासा को हम लोग इंग्लिश में डाइस जानते हैं। दोस्तों पासा की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, आप जानते ही होंगे, आप लूडो खोलते होंगे तो लूडो में देखते होंगे या कुछ आकृति ऐसी होती है, इस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक उसी प्रकार। दोस्तों कुछ इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या होता है दोस्तों इसके फलक होते हैं, इसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर फेसेस कहते हैं, और इसके 8 कोने होते हैं। कॉर्नर इसके कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके 8 कोने होते हैं दोस्तों। और इसकी भुजाएं कितनी होती हैं, एज कितने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। 12 भुजाएं कौन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसके 12 भुजाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों पासा कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों बता दें कि पासा जो होता है पासा 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है, पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं पासा, आइए दोस्तों देखते हैं पासा कितने प्रकार, 2 प्रकार का। पहला प्रकार जो होता है वो साधारण पासा होता है, साधारण पासा। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, मानक पासा। आइए दोस्तों देखते हैं साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा क्या होता है, जिस पासे की 2 निकटवर्ती या पास की फलक का योग 7 हो रहा है तो वह साधारण पासा होगा। जैसे आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पासा है, इस पे नंबर लिखे 4, 3 मान लीजिए और ये 5 है। इस बोल रहे हैं साधारण पासा क्या होता है, जिस पासे की 2 निकटवर्ती या पास की फलक का योग यदि 7 हो रहा है तो उसे हम लोग साधारण पासा कहेंगे। जैसे यहाँ पास की सतह क्या 4 और 3, 4 प्लस 3 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये साधारण पासा है, 4 प्लस 3 करेंगे तो ये 7 हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा है। और दोस्तों दूसरा हम लोगों का क्या था, मानक पासा। दोस्तों मानक पासा क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता इसमें दोस्तों। जैसे आए दोस्तों देखते हैं, इसमें भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये ऐसे हम लोग एक पासा बनाते हैं, हम लोग इस पर कुछ नंबर ले लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या बताएं हम लोग, मानक पासा क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग इसमें कभी भी 7 नहीं होता। इसे हम मान लीजिए 5 और 1 ले लीजिए, 1 प्लस 5 अगर हम लोग लेंगे ये 6 हो रहा है। इसमें कभी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग इसमें कभी भी 7 नहीं होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें एक रूल है, रूल क्या है इसका, कि इसके विपरीत, इसके क्या होता है, मानक पासा की 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। इससे क्या बताया दोस्तों, इसमें जो मानक पासा होता है इसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। इसे हम लोग 1 का विपरीत पूछें तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 होता है। हम क्या बताएं, मानक पासा की 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। इसे 5 का विपरीत पूछे तो 5 प्लस 2 इसका मतलब 7 हो रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत कितना होगा, 2 होगा। अगर हम लोग 4 का विपरीत पूछे दोस्तों, ये मानक पासा है तो मानक पासा विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो इसका 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, तो 4 का विपरीत 3 होगा। आइए दोस्तों एक हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का मान लीजिए दोस्तों ये हम लोगों का एक पासा है, 5, 1 मान लीजिए 4 है दोस्तों, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 3 दोस्तों, मान लो जी ये हम लोग का पासा है जिसके हम लोग सतह 5, 1, 3 ऐसा लिखा है।
दोस्तों ये अब पूछ रहा है इसमें एक का विपरीत पूछ रहा है, एक का विपरीत यदि आपको पूछे एक का विपरीत इसमें क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें मानकता की जांच करेंगे, देखेंगे साधारण पासा है कि मानक पासा है। दोस्तों हम लोग साधारण पासा क्या बताए थे, जिस पासे की दो निकटवर्ती या पास की फलक का योग 7 होगा उसे हम लोग साधारण पासा कहेंगे, और जिसमें जिसमें 7 नहीं होगा दो निकटवर्ती सतहों का योग उसे हम लोग मानक पासा कहेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या दो निकटवर्ती सतहों का योग इसमें 7 हो रहा है, तो देखेंगे 1+5 इसका मतलब 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो दोस्तों मानक पासा का हम रूल क्या बताए थे, इसमें निकट इसमें क्या होता है विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसका मतलब एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत 6 होगा, क्योंकि 1+6=7 होता है, इसका मतलब एक का विपरीत 6 होगा, क्योंकि 1+6 करेंगे 1+6 करेंगे 7 आएगा हमको। दोस्तों अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में अगर पूछे 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा, क्योंकि क्योंकि 5+2=7 क्या हो जाएगा 7 होगा। उसी प्रकार 3 का विपरीत 4 होगा। आए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं। दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल गया, कुछ पासा इस प्रकार के एग्जाम में आते हैं जिससे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रकार रहता है जिसमें मान लीजिए 4 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसमें भी पूछ रहा है मान लीजिए एक का विपरीत क्या होगा, पूछ रहा है एक का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें भी मानक था, हम लोग जांच करेंगे देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा। साधारण पासा होता था जिसमें निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है उसे हम लोग साधारण पासा कहते हैं, अगर यदि 7 ना हो उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं, और मानक पासा का रूल होता है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखेंगे ये पास निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है, और मानक पासा का रूल होता है कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7 होता है। तो एक का विपरीत इसमें क्या होगा, एक का विपरीत इसमें भी 6 होगा, और इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि 1+6=7 होता है, 4+3=7 होता है। हम लोग विपरीत सतहों का योग कैसे निकालेंगे, मतलब 7 में से 1 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब एक का विपरीत 6 हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग 4 का निकालना है तो 7 में से 4 को माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, इसका मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये मानक पासा का रूल होता है। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका जो रूल आ गया सेकेंड रूल आ गया, अभी तो हम लोग पढ़े मानक पासा साधारण पासा। अब दोस्तों उसके हिसाब से ऐसे मान लीजिए 2 पासाएँ दे दी हैं एग्जाम में, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लीजिए 2 पासाएँ दे दिए हैं, एक पासा मान लीजिए ये है और मान लीजिए एक पासा कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है, उस पर कुछ नंबर लिखी है, इस पर ये 4 है और ये 5, 4, 1। दोस्तों हम लोग का रूल है यदि 2 फलक कॉमन है, चाहे वो नंबर हो या सिंबल हो, यदि 2 फलक कॉमन है, क्या 2 फलक कॉमन, जैसे मान लीजिए इसमें 4, 5, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 5 है। देखिए हम क्या बोले, यदि 2 फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो या नंबर हो या सिंबल हो कुछ भी हो, तो वो फलक जो एक फलक बचेगा, जो एक फलक क्या बचा 3 और 1 बचा, 3 और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या बोले दोस्तों, यदि 2 फलक कॉमन है, जैसे 4, 5 इसमें भी, 4, 5 इसमें भी है, 4, 5 इसमें है, तो क्या जो एक फलक बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। आइए दोस्तों इस पर एक प्रश्न हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये पासा आपको दे दिए है, ये कुछ इस प्रकार का एक पासा आपको दे दें, कुछ इस प्रकार का 2 पासा आपको मिल जाए, इस पर कुछ नंबर लिखी है 1, 4, 6, यहाँ पर लिखा है 6, 4, 5, यहाँ नंबर लिखा है। दोस्तों तो हम देखेंगे इसमें क्या 4, 6 इसमें भी है, 4, 6 इसमें है, यदि हम पूछें एक का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों आप बताएंगे इसमें भी 2 फलक हम लोग का कॉमन है, 4, 6 इसमें भी, 4, 6 इसका एक का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा 1, इसमें 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आइए दोस्तों अपने हम लोग अगले रूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला रूल है, पहले हम लोग
पासा बना लेते हैं। मान लीजिए इस पर कुछ कोई नंबर लिखा है, ये इस प्रकार कुछ इस पर नंबर लिखा है, इस पर कुछ इस प्रकार का नंबर लिखा है। दोस्तों यदि दो नंबर या सिंबल, नंबर लिखा हो या कोई सिंबल हो, मतलब सेम फलक पे और सेम हो, मतलब ऊपर वाले देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों पे दो दो है, दोनों पे क्या है दो दो है, हम क्या बोले यदि पास आए हैं, यदि सेम फलक पे सेम नंबर लिखा हो तो जो फलक बचेंगी, मान ली यहाँ पे चार है, यहाँ पे तीन है, यहाँ छः है, यहाँ एक है, तो सेम सेम फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। चार का विपरीत तीन हो जाएगा और छः का विपरीत क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। इसका मतलब यदि सेम फलक पे सेम नंबर हो तो जो दो फलक बचेंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब चार का विपरीत तीन हो जाएगा, छः का विपरीत क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। रूल हम लोग अगले रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला रूल है, पहले हम लोग दोस्तों पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता बना लेते हैं तब आपको समझ में आएगा कुछ एकदम आसान तरीके से। दोस्तों पास्ता में कुछ नहीं है दोस्तों, आप बस इसी रूल को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका पास्ता कंप्लीट हो जाएगा, आप पास्ता के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों आप इसमें चार दो, यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ दो लिखा है, तीन लिखा है, छः लिखा है। दोस्तों यदि एक फलक कॉमन हो, मान लीजिए यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है और सेम फलक पे, इसमें ऊपर वाले हम लोग क्या बताए उस सेम फलक पे थी, लेकिन इसमें सेम फलक पे नहीं है, कॉमन है लेकिन सेम फलक पे नहीं है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग को एक इसमें तरीका हम लोग अपनाएंगे। देखिए दोस्तों दो चार एक लिखा है, तीन दो एक, इसमें बस एक ही मिल रहा है, मतलब यहाँ दो है यहाँ पे दो है और कोई संख्याएँ नहीं मिल रही हैं। हम लोग क्या करेंगे इसमें एक तरीका है, हम लोग एक तालिका बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग एक तालिका बनाएंगे। एक दो तीन चार हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग ये तालिका कुछ इस प्रकार बना देंगे। ये तालिका हम लोग को बनाना होता है, यहाँ पे एक दो तीन चार ठो इस प्रकार डिब्बा रहेगा और एक इधर रहेगा। दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड जो कॉमन है उस नंबर पर हम लोग इस प्रकार हम लोग अपना थंब रखेंगे, अंगूठा रखेंगे, उसको राइट साइड में इसे घुमाएंगे, राइट साइड में क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, तो दो के बाद क्या आ जाएगा एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा चार आएगा। उसी प्रकार इसमें भी अगर हम लोग इस पर अपना अंगूठा रखेंगे और इसे राइट साइड में ऐसे कुछ इस प्रकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, तो उसके बाद दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद छः आएगा। दोस्तों जो हम लोग का फलक कॉमन है उसको बीच में लिख लेते हैं, उसको बीच में लेते हैं और फिर उसको उस संख्या पर के फिर राइट साइड में से घुमाते हैं, तो ये दो के बाद क्या आएगा एक आएगा, एक के बाद चार आएगा, तो दो के बाद क्या आएगा एक आएगा, एक के बाद चार आएगा। उसी प्रकार इसमें रखेंगे बीच में ऐसे, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो तीन आएगा फिर छः आएगा, तो क्या आएगा तीन आएगा छः आएगा। अब देखिए दोस्तों पासाए पे कितने अंक लिखी होती है, छः अंक लिखी होती है, एक दो तीन चार और पाँच, एक दो तीन चार पाँच और छः लिखी होती है, यही हम लोग का अंक लिखे होते हैं। दोस्तों उसमें से एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी, छः भी है, लेकिन पाँच नहीं, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों यदि हम इस प्रश्न में हम पूछे चार का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत क्या होगा, यदि चार का विपरीत क्या होगा, दोस्तों इसमें चार का विपरीत छः होगा, एक का विपरीत तीन होगा और दो का विपरीत पाँच होगा। जैसे हम क्या बताएं दोस्तों, छः का विपरीत चार होगा, एक का विपरीत तीन होगा, दो का विपरीत पाँच होगा। मान लीजिए हम चार का विपरीत पूछें, चार का विपरीत क्या हो जाएगा, चार का विपरीत छः हो जाएगा, एक का विपरीत पूछें तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा। तो यही था हम लोग का पासे का रूल। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पासे से रिलेटेड उसमें अवश्य प्रश्न आएंगे। दोस्तों यदि आप इस रूल को पढ़ लेते हैं तो आप उस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।